ये है लाहौर का इलाका मजंग और ये उस्मान जिसकी पान सिगरेट की दुकान है। इसने ना तो कोई चोरी की और ना ही किसी और वारदात में मतलूब है, फिर भी इसे लिटन रोड थाने की पुलिस ने सिर्फ इस बात पर तशद्दुद का निशाना बना डाला कि दुकानदार ने इन्हें उधार अशिया देने से मना किया। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार पुलिस अहलकारों ने इस पर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि जबरदस्ती दुकान में घुसकर सामान भी उठाकर ले गए। SHO साहब, ASI सारे आए हैं, उन्होंने मुझे मारा है, दुकान के अंदर आए हैं, फिर दुकान से घसीट के बाहर निकाला है। वो कहते हैं चलो मुझे उन्होंने चपेड़े भी मारी और सारे गवाह हैं। पुलिस अहलकारों से जब पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं तो इनका कहना था कि वो इसे बिगड़ते हालात से आगाह कर रहे हैं। कानून के मुताबिक उन्हें कहा है कि सिक्योरिटी कैमरा लगाएं, जो एक रिक्वायरमेंट है, जितने भी लेट नाइट दुकानें खुलती हैं सबको सिक्योरिटी कैमराज लगाना चाहिए। तशद्दुद की वजह पूछने पर तो पुलिस अहलकार जैसे भड़क ही उठा और मीडिया पर ही रिश्वत लेने का इल्जाम लगा डाला। आप मीडिया का किसी से तलक है उसका मतलब है वो ब्लैकमेल करेगा? कोई तलक नहीं है, मुझे उसका नाम नहीं पता। वो कहता है मुझे आप बोतलें पी के जाते हैं, पान खा के जाते हैं, मंथली आपको 5,000 रुपया देते हैं। एनी शाहिदीन ने भी इस वाकये का आंखों देखा हाल बयान किया तो सब सच सामने आ गया। ASI ने गाड़ी से उतर के तो उस बेचारे को गालियां निकाली हैं, काउंटर बाहर फेंक दिया सारा सामान भी, और इसको कहते हैं बाहर निकलो जल्दी। क्या हमारी पुलिस अवामी खिदमत को ऐसे ही अपना शेवा बनाती रहेगी? ये एक ऐसा कड़वा सवाल है जिसका जवाब पुलिस की कारकर्दगी और इमेज को बेहतर बनाने वालों को बाहर कैफ निगलना पड़ेगा। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उमर याकूब, दुनिया न्यूज़, लाहौर।